तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में, या बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी में जैसा कि क्या होता है कि हर एक सेटिंग की एक ट्रैप्स सेपरेट ऐप बना के अपडेट देते रहते हैं और उसके जो फीचर्स को इन्हांस और उसके एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा स्मूथली करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक ऐप है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। उस अपडेट के बाद और एक्चुअल में वो ऐप या वो सेटिंग क्या काम करती है, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग एक सेटिंग के अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में चले जाना है, आपका अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है और आप देखेंगे आपको एक अपडेट मिल रहा होगा कस्टमाइजेशन सर्विसेज। अब कस्टमाइजेशन सर्विसेज होता क्या है और एक्चुअल में इसमें अपडेट क्या है, अब नीचे की तरफ आएँ आप देखेंगे इस अपडेट को अलाउड किया गया है 10 सितंबर को, जिसका वर्जन नंबर है 3.5.074 और जिसका साइज़ है 27 MB का। अब मैं पहले तो कर लेता हूँ अपडेट। अब बात करें ये अपडेट काम क्या करता है, या बोल सकते हैं या फिर ये वाली जो सेटिंग है काम क्या करती है। भाई कस्टमाइजेशन सर्विस ये क्या काम करती है, ये एक मीडिएटर का काम करती है। आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं ना, उस सर्च को जो रिजल्ट या फाइंड करने का जो काम करती है ना, वो ये काम करती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एप सैमसंग डिवाइस ऐप सर्विसेज आर डिजाइन टू प्रोवाइड यू कस्टमाइज सर्विस बाय सपोर्टिंग योर डिजायर नीड इज अ स्मार्ट इंटेलिजेंट मैनेजर। सैमसंग कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड एन इनहांस यूजर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग कस्टमाइज कंटेंट रिकमेंडेशन एंड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड योर। तो इस ऐप का काम क्या रहता है दोस्तों, जो भी आप सर्च करते हैं ना उससे रिलेटेड, या फिर जो भी आप यहाँ पर अपने मोबाइल में करते हैं उससे आपको रिकमेंडेशन करता है ना, वो कस्टमाइजेशन सर्विस का काम करता है। कैसे, लाइक आपने अगर यहाँ पर कोई सर्च कर रहे होंगे तो आप देखेंगे ये जो काम ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा कस्टमाइजेशन सर्विस का काम करती है। यहाँ 3 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कस्टमाइजेशन सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, या बोल सकते हैं उसकी सेटिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है, आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन आ रही है, आप देख रहे होंगे, आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, गेट बेटर सर्च रिजल्ट बाय यूजिंग डाटा अबाउट व्हाट यू आर अबाउट पीपल सर्च देम। ये आपके डेटा को एक्सेस करेगा और उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर फीचर्स बताता रहेगा, लाइक हैशटैग्स, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़, इस सबसे रिलेटेड जो काम करेगा ना पूरा, ये कस्टमाइजेशन सर्विस का काम करती है। एक तरीके से एक सर्च का काम करता है ये, जो आप अपने मोबाइल में सर्च करते हैं ना उससे रिलेटेड आपको खुद ही वो टिप बताता रहता है। अब एक्चुअल में ये कहाँ मिलेगा उसको, इसके लिए आपको, अब इस सेटिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, एंड वहाँ पर आपको मिल जाएगा कस्टमाइजेशन सर्विसेज का ऑप्शन। यहाँ पर जाने के बाद आप इसकी पूरी सेटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं कि किस किस ऐप में ये काम करेगा या किस किस जगह ये काम करेगा और कौन कौन सा डेटा आपको ये कलेक्ट करता है। गेट अ कस्टमाइज कंटेंट रिकमेंडेशन, जैसा कि बताया ये आपके इंटरेस्ट, आपके जो आपने यूजर्स करा है उसके हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा कि ये वाली ऐप में आपको ये मिल रहा है, या बेटर सर्च रिजल्ट आपको देगा उस एरिए के हिसाब से, उस तरीके से ये काम करता है। और थोड़ा देखना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, लाइक हैशटैग, आपने कौन कौन से हैशटैग को फाइंड किया उस तरीके से बता देगा, एक्टिविटीज के हिसाब से बता देगा, आपके इतने सारे हैशटैग उसने सेव कर रखे हैं, इंटरेस्ट सेव कर रखे हैं, एक्टिविटी सेव कर रखी है, सिग्निफाइड प्लेस सेव कर रखी है, स्लीप पैटर्न सेट कर रखा है, कमिट टाइम सेट कर रखा है, ऐप एंड सेटिंग सर्विसेज सेट कर रखी, इवेंट सेट कर रखा है, उससे रिलेटेड आपको ये सर्च बताता रहेगा। इसमें भी आपको अपना सैमसंग अकाउंट लॉगिन करके रखना पड़ेगा। डेटा मैनेजमेंट में जाएंगे तो कौन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है, कौन कौन से आप देख रहे हैं ऐप की परमिशन, लाइक कॉल, मैसेज हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लिसनिंग इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, सर्च डेटा, व्यूइंग इन्फॉर्मेशन एंड व्यूइंग इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपकी कलेक्ट करेगा। कस्टमाइजेशन सर्विसेज यहाँ पर आप आएंगे तो कौन कौन सी ऐप में ये काम करता है आप देख रहे हैं, चेंज हेयर ओनली ऑन दिस फोन, ये आपकी कौन कौन सी ऐप में काम करेगा वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके साथ साथ प्राइवेसी नोटिस में जाएंगे ना, वो बता देगा कि हम आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए परमिशन में जाएंगे तो कौन कौन सी परमिशन ले रखी है वो दिख जाएगा। डाउनलोड योर डेटा में जाएंगे तो कौन कौन सा डेटा उसने लिया हुआ आप वहाँ पर आप देख सकते हैं, और इरेज करना चाहें तो इरेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो सिर्फ आपको अपडेट का ही ऑप्शन मिलेगा कि आपको उसको अपडेट कर लेना है। अब ये काम जैसा कि मैंने आपको नॉर्मल बताया, अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को सर्च मारेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर अपना ऐसे टाइप की सर्च मार लिया, तो ये पूरा जो सर्च हो रहा है ना कस्टमाइजेशन सर्विस के थ्रू ही सर्च हो रहा है, ये पूरा कस्टमाइजेशन सर्विस के थ्रू ही सर्च कर रहा है, माई फोटो करके या जो भी आप यहाँ पर सर्च करेंगे ना, तो ये पूरा कस्टमाइजेशन सर्विसेज काम करता है, ये सब जगह काम करेगा। आप यहाँ पर अपने गैलरी में जाएंगे तो भी उसी में काम करेगा, कस्टमाइजेशन सर्विसेज काम करती है। जैसे मैं बताऊँ, इसका मेन काम ये है कि जिससे आप इसको यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर सर्च करें और ये सारी ऐप की डिटेल फाइंड करके आपको यहाँ पर जो दिखाएगा ना, यही इसका मेन काम है। मतलब कि ये सारी जगह से सर्च करेगा और सबका ऐप में से सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर वो खुद ही यहाँ पर बता देगा आपके कॉन्टैक्ट, जो जो परमिशन दी हुई ना
उन सब की ऐप से परमिशन करके उससे मिलता जुलता आपको यहाँ पर कस्टमाइज करके बताने वाला है। तो यही होती है कस्टमाइजेशन सर्विस, इससे आप काफी हद तक अपने मोबाइल में क्विक एक्सेस कर सकते हैं, जो भी चीज सर्च करना आप यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। और नए अपडेट में वैसे कोई नया चेंजेस नहीं किया गया, बट उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा इम्प्रूव किया जाता है। जब भी कोई नया अपडेट आता है तो अगर उसमें कुछ नया चीज नहीं की गई, बट उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है। आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस, उसकी चलने की परफॉर्मेंस को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है। तो आपको इसको करना चाहिए, और उसको करने के बाद आप देखेंगे आपको यूज करने में और फायदा मिलेगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इससे पहले ये चीज़ पता थी कि नहीं पता थी, कि कैसे काम करता है। सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।